तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है हम अब चाय पीने हैं सर के साथ एंड ये एक छोटा सा यहाँ पर जो है ढाबा ही समझ लें, ये एक ढाबा है और ये जमशेद हमारे साथ हैं, ये सर हैं। सर प्लीज़ हाय कह दें सर। ठीक है, तो ये एक छोटा सा गांव है, यहाँ पर जो है अब सर जो हमें लेकर आए हैं, यहाँ पर जो है हमने चाय पीनी है एंड चाय भी मैं आपको दिखाता हूँ कि वो ढाबा भी जो है मैं आपको मुकम्मल यहाँ पर दिखाता हूँ। भजी आई भजी, ये एक दोस्त हैं जिन्होंने जो है ब्राज़ील में शादी की है, ये बैठे हैं सामने यहीं पाकिस्तान में बैठ के घर बैठ के जो है यहीं से इन्होंने एक लड़की पटाई है, क्या कहते हैं ब्राज़ील से लड़की सीधी यहाँ पर आई है यहीं पे सबसे पहले वो मुसलमान हुई है, मुसलमान होने के बाद यहाँ पे शादी की है और उसने अपना एक मुसलमानों वाला नाम भी रखा है। वो क्या नाम रखा है वो भी इनसे पूछते हैं, क्या नाम रखा है? आयशा जमशेद जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उनको कोई दिक्कत हुई आने में या वो हिचकिचा रहे थे यहाँ पे आने में? वो तो मैंने जैसा कि आपको बताया इधर पाकिस्तान का इमेज बाहर की दुनिया में बहुत डेंजरस टाइप है, वो देखते हैं उधर बम चलते हैं, बहुत ही दहशतगर्द टेररिस्ट टाइप में आता है, तो मैंने उसको बहुत मुश्किल से एग्री किया। तो जब वो इधर आई मगर उसका बिल्कुल अपोजिट था, इधर आके वो बहुत खुश थी, इधर की हॉस्पिटैलिटी देख के पाकिस्तान के जो ग्रेट पीपल्स हैं बहुत खुश हुई वो, और एक अच्छी उम्मीद लेके और अच्छी यादें लेके वो वापस गई है जी ब्राज़ील में। ओके, तो सर आपके इस गांव के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताएं कि यहाँ का सबसे मशहूर क्या चीज़ है? यहाँ का सबसे जो मशहूर है वो तो ये आपने देखा दरबार है, हमारे इलाके का मस्जिद है, बहुत ही पुरानी मस्जिद है, मतलब 150-200 साल पुरानी मस्जिद है। बाकी यहाँ का जो मशहूर ये है कि ये सरसब्ज इलाका है, ये हमारे साथ नहरें गुजरती हैं, तो मतलब शादाब है, इसमें एरीगेशन का सिस्टम बहुत ही ज़बरदस्त है, फसलें तकरीबन सारी यहाँ पे होती हैं, गंदम गन्ना चावल मतलब सरसों वगैरह जो जितनी भी फसलें होती हैं पाकिस्तान में वो तकरीबन यहाँ पे उगती हैं, बहुत ही सरसब्ज। और बाकी यहाँ के लोग हॉस्पिटैलिटी उनकी और यहाँ की काइंडनेस माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लोग हैं। अच्छा सर, आपने जैसे कि आपने पहले भी बताया कि आप जॉब भी करते हैं, तो जॉब कौन सी करते हैं आप? जॉब रोटी चलाने के लिए जॉब करता हूँ। मतलब किस डिपार्टमेंट में? कोई डिपार्टमेंट में? हमारा डिपार्टमेंट यही है, ऑनलाइन देखने, यही जॉब है हमारी। चलें ठीक है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये अभी अभी जो है चाय बन रही है, वो जस्ट हमारे लिए ही बन रही है, हमने ही यहाँ पे पीना है। ये क्या चीज़ है? ये सोन हलवा बना हुआ है जनाब, यहाँ पर आप देखें उसको, ये देखें ये जनाब सोन हलवा बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो है चाय बन रही है जो कि हमने थोड़ी देर तक जो है पीनी है, ठीक है। ये भाई हैं, ये सर के दोस्त ही हैं, ठीक है, ये भी यहाँ इसी गांव में रहते हैं। तो यहाँ पे जो है इन्होंने कुछ स्वीट्स वाली जो है शॉप भी खोली हुई है, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप देखें ये दूध भी पड़ा है एंड काफ़ी सारी और भी चीज़ें पड़ी हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मिठाई भी जो है यहाँ पर मौजूद है, और मैं आपको यहाँ पर दिखा सकूँ। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग गांव है और जो है लोग भी यहाँ पर जो है बहुत ही प्यार करने वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ अगर आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर जो है आपको प्यार करने वाले लोग ही मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यार चाय भी है जो है यहाँ पर आ चुकी है, अभी जो है हम ये चाय पियेंगे, सर हैं मैं हूँ और ये जमशेद है, अभी चाय पियेंगे। तो ये जो अब ये यहाँ पर जो है ढाबा है, ये सर का गाँव है, ठीक है। यहाँ पर जो है कुछ लोग आते हैं यहाँ पर जो है चाय वगैरह पीते हैं, ये सामने एक छोटा सा बच्चा भी यहाँ पर मौजूद है एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चाय बन रही है। ये छोटा सा सर का गांव है लेकिन बहुत ही प्यारा और बहुत ही प्यारे लोग हैं यहाँ पर जो है, काफ़ी प्यार करने वाले हैं। सर ने जो है हमें प्रॉपर टाइम दिया यहाँ पर, तो काफ़ी मज़ा आया सर से बात करके, सर से मिल के तो इंटरेस्टिंग लगा। एंड तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आज का ये वीलॉग्स आपको काफ़ी पसंद आया होगा, अगर आए तो यार इस चैनल को आपने लाजमी से सब्सक्राइब करना है एंड वीडियो को लाइक करना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।